देखो अभी तक वो खाली, मैं मानता हूँ कि अभी तक हमारी पार्टी का वो लोग हिस्सा है, उनकी बात छोड़िए, जो लोग चले गए मैं उन पर पहले चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि जो अभी हैं मैं उस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं करूँगा। हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, वो अभी कुछ करना कहना भी ठीक नहीं है। आप देखेंगे जो लोग चले गए और कौन लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे NSY को, अभी हमने आज शुरुआत नहीं करी है, आपको तमाम मैं समय बताऊंगा आने वाले हफ्ते में, आने वाले महीनों में, और ऐसे जो ऊर्जावान हमारे छात्र नेता है वो हमारे NSY का दामन थामने वाले हैं। तो लोग जो जा रहे हैं उनकी मंशा क्या आप लोग जान लीजिए, वो बड़े व्यापारी हैं या उनके बड़े मजबूरियां हैं कि ED CBI से डर के वो लोग भाग रहे हैं, या अपने बेटे को या किसी को पार्टी में एडजस्ट कराने के लिए, सांसद की सीट के लिए, राज्यसभा सीट के लिए वो भाग रहे हैं। और जो नौजवान साथी है, जो सामान्य परिवार से आता है, वो किसान परिवार से साथी जो नौजवान आने वाला, जो जवान परिवार से नौजवान आने वाला, और जो नए ऊर्जावान छात्र नेता है, वो NSY का दामन सामने है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जो जा रहा है, जो आ रहा है, वो बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और मैं बात करूंगा निर्मल की, कि जो जाना चाहते हैं मैं उस पर टिप्पणी ना करके, जो आ रहे हैं मैं उन पर एक टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा। और ये मेरे लिए गर्व की बात है, आपने मुझसे ये सवाल करा कि जो जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड आप जान लें कि उनका बैकग्राउंड क्या था। अब उनकी ED CBI की मजबूरियाँ होंगी, लेकिन जो देश का नौजवान छात्र है, जो इस देश की आबादी 60% है, वो अब NSY का हाथ थाम रहे हैं और राहुल गांधी जी के साथ साथ चलने के लिए, कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। मुझे क्या लगता नहीं कि राजस्थान में ऐसे युवा हैं, नए युवा चेहरे हैं, जिनको लोकसभा में भी मौका मिलना चाहिए था और विधानसभा में भी मौका मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसे पुराने गद्दार नेता हैं, ना तो वो युवाओं को आगे आने देना चाहते, ना वो खुद चुनाव लड़ना चाहते। अब ऐसी स्थिति में NSY किस तरीके से स्टैंड लेगा? स्टैंड आपके सामने है, और मैं बताता हूँ आज जो देश की हालत है उसमें MLA चुनाव लड़ना, MP चुनाव लड़ना वो छोटी चीज रह गई है। जो देश के सामने जो आप देखेंगे, जो देश में हालात है, किसानों की, नौजवानों की, युवाओं की, किस तरीके से आप देखेंगे। मैं राजस्थान की बात करूं, मैं कोटा में जाता हूं, मुझे मेरी कल मेरी बात हुई कोटा के स्टूडेंट से, मेरी रूह कांप उठी। उसने बोला कि मैं जिस हॉस्टल में जाता हूं पहले मैं पूछता हूं कि इस कमरे के अंदर, हमारे परिवार, उन्होंने भी इस पर बात करी कि जिस मैम कमरा पूछते हैं कि इस कमरे के अंदर किसी बच्चे ने आत्महत्या तो नहीं करी। ये कोटा की हालत है इस देश में, ये नौजवान छात्रों की हालत है इस देश में। और जब मैंने निर्मल की भी ज्वाइनिंग कराई, हमारे विनोद जाखड़ जी भी थे, हाँ राजनीति में पद मिलते हैं सब चीज़ें, लेकिन ये पद से उठ के काम करने का समय है नौजवान छात्रों के लिए। तो मैं मानता हूँ MLA MP तो बहुत छोटी चीज़ है, जब हम नेतृत्व उस जनता का कर लेंगे तो जनता हमें MLA MP अपने आप बना देगी। नहीं, कांग्रेस के नेता नहीं, जो लोग जा चुके हैं BJP में, मुझे लगा उनकी तो यही मजबूरी होंगी, क्योंकि देश के सामने जो आज हालत है इस देश की, वो जब कांग्रेस पार्टी में थे तो कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी ने जरूर देश के लिए करा होगा, कांग्रेस पार्टी में आज वो जा रहे हैं तो आप उनकी मजबूरियां समझ सकते हैं, तो EB मतलब ED CBI की मजबूरियां रहेंगी, वो मजबूरियां क्यों आप समझ सकते हैं, वो प्रेशर में डर के भाग रहे हैं। लेकिन जो हमारे ऊर्जावान साथी नए छात्र नेता हैं, वो डरने वाले नहीं हैं और वो बिना डरे हमारी पार्टी में आ रहे हैं। अब मुझे मानना है कि वो आप उनसे खुद व्यक्तिगत जाके बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो लोग नहीं गए मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में जरूर बात करूँगा और मीडिया के बंधुओं से मैं बोलूँगा, खासतौर पर कुछ नौजवान मीडिया के साथ ही बैठे हैं, कि आप स्टोरी करना चाहते हैं तो इस पर एक स्टोरी भी करें कि जो NSY का हाथ थाम रहे हैं आज की डेट में, जो राहुल गांधी जी के साथ बाजू यात्रा में लोग चल रहे हैं, कौन लोग हमारे संगठन में आ रहे हैं और कौन जा रहे हैं, तो आपको नजर आ जाएगा जो देश में लड़ना चाहते हैं नौजवानों के, छात्रों के, किसानों, जवानों के लिए, वो कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। हमने वो चुनाव स्थगित करे थे, उस समय भी हमने पूरी मांग रखी थी। मेरा खुद आप सोशल मीडिया खोल के देखेंगे तो मैंने खुद लिखा था कि छात्र संघ चुनाव पूरे देश में बहाल होने चाहिए। अब हम दोबारा इस पर आंदोलन भी कर रहे हैं, जब भी हमारे जो छात्र नेता हैं जो NSY के साथी थे, उन्होंने इस चीज़ का विरोध करा था और बोला था और प्रदर्शन भी करा था विरोध के साथ साथ कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। और पूरे देश में हम छात्र राजनीति को पहले से प्रमोट करते हैं और हमारी विचारधारा भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र राजनीति में भी आए, छात्र नेता बने, तो हम तो चुनाव की बहाली की बात करते हैं। देखिए मैं आपको फिर ये बात बोल रहा हूँ, 80 सीधा से आंदोलन का कहना देना, हम आंदोलन करेंगे, 80 सीधा तो उसके लिए लगी ना कि आप होर्डिंग पोस्टर नहीं लगा पाएंगे। और इनमें से जो लोग बैठे हैं, मुझे लगता है चुनाव तैयारी के लिए NSY का हाथ नहीं थाम रहे हैं। हाँ, भविष्य में सबकी एक उपेक्षा होती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूँ, प्रधानमंत्री बनूँ, सांसद बनूँ, वो भविष्य की होगी। अभी हमारे NSY के जो साथी हैं, इनका खुद का ये, इन्होंने मुझे विश्वास भी दिलाया और हमारा खुद का दायित्व ये है कि हम नौजवान छात्रों की पहले आवाज़ बुलंद करें और सरकार को मजबूर करें उनकी आवाज़ सुनने के लिए। और जो देश की 60% लगभग आबादी है हम युवाओं की, छात्रों की, मैं मांगता हूँ ऐसी मांग करना बड़ा ठीक नहीं रहेगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ NSY का, अगर मेरी बात पूछे मैं तो चाहूँगा 25 की 25 सीटों पर मेरे NSY का साथी चुनाव लड़े,
लेकिन अब हम नौजवानों के छात्रों की बात करेंगे, जो पार्टी के हमारे हाईकमान जो पार्टी को नेतृत्व को ठीक लगेगा उस पर हमारी पार्टी लेगी निर्णय। अभी मैं बात आपसे भी करना चाहूँगा कि 25 लोकसभा से भी महत्व हमारे सामने जो चैलेंज है वो है नौजवान छात्रों का भविष्य, वो खासतौर पर कोटा से लेकर जो जयपुर तक की समस्याएँ छात्रों की और नौजवानों की है उस पर हम काम करेंगे। वही हमारे लिए मुझे लगता है लोकसभा और सांसद का से बड़ा काम है अभी हमारे पास। बच्चों के सुसाइड के मामले की बात कर रहे थे, वो कांग्रेस के टेरिटरी में सबसे ज्यादा हुए, उस दौरान एक कोचिंग को लेकर के बिल आना था जो ठंडे बस्ते में चला गया और विधानसभा में उस बिल को लाया नहीं गया कांग्रेस सरकार। मैं आपको इसका पूरा थ्योरेटिकली बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम पे ये मामले ज्यादा हुए, ये बहुत लंबे समय से चल रहे थे मामले कोटा से लेकर तमाम इंस्टीट्यूट में। इनकी मेन मजबूरियाँ क्या हैं? एक तो सेंटर की नियुक्तियाँ, सेंटर ने कितनी सारी नियुक्तियाँ रोकी हुई हैं, या तो कोई नियुक्ति निकलती नहीं, आप देखें हरियाणा यूपी सेंटर की जितनी नियुक्तियाँ हैं वो निकलती हैं तो पेपर लीक हो जाता है, कैंसिल हो जाती है। और कई प्रदेशों में तो डायरेक्ट पेपर लीक में एबीवीपी और बीजेपी के पदाधिकारी शामिल थे, जो कि मीडिया के माध्यम से पता लगा। तो ये जो हताश है हमारा युवा, वो कहीं ना कहीं नौकरी को लेकर सबसे ज़्यादा हताश है, उसको अपना भविष्य नहीं दिख रहा कि यार मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। और आत्महत्या करना एक बहुत, आप समझेंगे आपके खुद के नौजवान, आपके खुद का बेटा बेटी होगी जो अभी युवा होंगे, आप पूछ के देखिए, उसे पता लगेगा कि मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन मास्टर्स करने के बाद, आप मीडिया के साथी हैं, मेरे पास मीडिया के भी साथियों का फ़ोन आया कि यार हमें बड़ी तेज़ी से अखबारों से निकाला जा रहा है, मीडिया की नौकरियाँ छीनी जा रही हैं। तो आप सोचो कि किस तरीके से, और जवान के साथ साथ अब मीडिया के कितने सारे चैनल्स बंद हो गए हैं जिनको कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं मिल रही है, जो चैनल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है कि हम इनकी जो ब्लूप्रिंट खबरें आती हैं उनको नहीं छापेंगे तो उनकी फंडिंग कट कर देती है, जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनके उन्हें स्टाफ की शॉर्ट करना पड़ता है और उनके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं जो कोटा वाली बात बोलूँगा, जब युवाओं को ये लगेगा कि हमारा सपना मर रहा है तो आत्महत्या करेगा युवा, और कहीं ना कहीं उसके पीछे मेन कारण है बेरोजगारी, कि युवाओं को ये लग रहा है कि हम पढ़ लिखने के बावजूद भी हमारा नौकरी का अवसर छीना जा रहा है, खासतौर पर सरकारी नौकरी का। हमारी सरकार ने, आप देखिए जो पेपर लीक की घटना में लोग शामिल थे ना, तुरंत उन पर कार्रवाई करी, हमारे किसी पदाधिकारी ने आके किसी को डिफेंड नहीं करा, उनके पदाधिकारी शामिल हैं, शामिल होने के बावजूद वो आके डिफेंड करते हैं, हमारे लोगों ने गिरफ्तारी करी, आपके सामने गिरफ्तार, उन लोगों के नाम आपके सामने, मुझसे ज्यादा आपको पता होगा उसके बारे में। साथ जुड़ोगे, संगठन का हिस्सा बढ़ोगे तो मिलके देश के कोने कोने में जवान और किसान की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। आज इस समय में सत्ता में सरकार बैठी हुई किसान और जवान के साथ ही अन्याय करती है, देश की सेना को कमजोर करने का कार्य पूरे जोर के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसका विरोध देश के कोने कोने में हम लोग सड़क पे संघर्ष करके उन लोगों को एहसास दिलाएंगे कि इस देश का युवा और किसान इतना कमजोर नहीं है कि आप उनको जैसे दबाओ जैसे रोंदो वैसे सहन करते जाएं। पिछले आंदोलन के अंदर सैकड़ों किसानों ने अपनी शहादत दे दी, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी हर धर्मिता के कारण उन सैकड़ों लोगों की, उन किसानों की जान, उन लोगों की हत्या इसलिए कर दी कि मेरा जो हट है मैं किसानों के सामने झुकूंगा नहीं, आखिर के अंदर किसानों के सामने उनको झुकना पड़ा। ये अग्निपथ योजना जिसकी वजह से पूरे देश के युवा पीड़ित हुए, गांव के अंदर बड़े मन से युवा तैयारी करते थे आर्मी में जाने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, लेकिन अब उनके साथ ये खिलवाड़ कर दिया, ये देश की रक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया है। युवा 4 साल जब उसके मन में उसके तन में पूरी ताकत के साथ हौसले के साथ वो तैयार, उसके बाद बेरोजगार कर देंगे, इसका हम विरोध करते हैं। ये जय जवान कैंपेन के शुरुआत आदरणीय राहुल गांधी जी ने करी है, इसके अंदर बड़े भाई वरुण चौधरी जी के साथ मिलकर, पूरे एनएसयूआई संगठन के साथ मिलकर मैं देश के कोने कोने में लड़ाई लड़ूंगा इसके खिलाफ, और आखिरकार नरेंद्र मोदी जी को फिर किसानों और जवानों के सामने झुकना पड़ेगा। मैं सभी मीडिया को दूंगा धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी जरूरत किसानों और जवानों की मजबूती की है, मैं उन किसानों और जवानों के बच्चों का ही तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर नेतृत्व करता था, उन्हीं लोगों के लिए काम करता था।
एनएसयूआई भी जवान और किसान के लिए काम करना चाहती है और मैं भी अपना धर्म किसान और जवान की मजबूती के लिए काम करना मानता हूँ। वरुण चौधरी जी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में एनएसयूआई का दामन मैंने थामा, प्रदेश की युवा शक्ति। हमारे बीच में एनएसयूआई के ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वरुण चौधरी जी आज पहली बार गुलाबी नगरी जयपुर में पधारे हैं। तमाम एनएसयूआई कार्यकर्ता इनका हृदय की गहराइयों से जो है हम स्वागत सम्मान करते हैं। आज बड़ी संख्या में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत किया गया। हमारे छोटे भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी जी ने भी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों से जो है एनएसयूआई ज्वाइन की है, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य उद्देश्य है, आप देखिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। पूरे देश के नौजवान जो हैं अति उत्साहित हैं राहुल गांधी जी से मिलने का, उनकी न्याय यात्रा से जुड़ने का। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना को कमज़ोर करने का काम किया है, अग्निपथ स्कीम ला के इससे हमारे सेना के नौजवानों का जो है मनोबल कमज़ोर हुआ है। आज एनएसयूआई हमारे नेता कांग्रेस के राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी और पूरी कांग्रेस पार्टी जो है इस अग्निपथ स्कीम का पूर्ण तरीके से विरोध करती है। हमारी प्रमुख दो मांगे हैं 2019 से 2022 के बीच में जो हमारे नौजवान थे उन्होंने सारी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करके सब कुछ प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद भी आज तक उन नौजवानों को जो है ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो हमारी पहली मांग जो है यही है कि उन हमारे नौजवानों को जो है तुरंत प्रभाव से जो है ज्वाइनिंग दी जाए। दूसरी, हमारी जो सेना भर्ती की जो पुरानी प्रक्रिया है, स्थायी प्रक्रिया है, उसको तुरंत प्रभाव से जो है लागू किया जाए। ये हमारा जो है भारत जय जवान कैंपेन जो है पूरे राजस्थान में एनएसयूआई चला रही है, पूरे हिंदुस्तान में एनएसयूआई चला रही है। भारत के कोने कोने में जाके इस कैंपेन को लॉन्च कर रहे हैं। हमने इस पर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब हमारी जो है शुरुआत यह है कि प्रत्येक राजस्थान की एनएसयूआई जो है प्रत्येक ज़िले में जाएगी, वहाँ जो है वहाँ के छात्रों से, किसान परिवारों से और जो ये सेना के जो नौजवान हैं जिनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है उनसे जाके संवाद करेगी और हम जो है नरेंद्र मोदी सरकार से जो है जवाब मांगेंगे कि आपने अभी इन नौजवानों को जो है अभी तक क्यों ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी।